वेलकम बैक टू माय चैनल मालंचो ब्लॉग। मैं हूँ मालंचो पाल। मेरा और एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सबको ही अच्छे होंगे। तो दिन है संडे, आज छुट्टी का दिन है, तो बच्चे सब चाय पीने के बाद पढ़ने बैठ गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, आज मैं बालों में तेल लगाई हूँ, शैम्पू लगाऊंगी इसीलिए। तो जो तेल मैं लगाती हूँ वो ख़त्म हो गया है, उसको मैं कैसे बनाती हूँ उसका वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। पहले मैं घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। घर का सारा काम ख़त्म करके नहा के मैं पूजा भी कर ली हूँ। देखिए ये कारी पत्ता है, इसको अच्छे से धोकर इस तरह से सुखाने के लिए डाल दी हूँ। इसका पानी एकदम सूख जाएगा, तो इतना सारा पत्ते की ज़रूरत नहीं है मैं जो तेल बनाऊँगी। और यहाँ पे गुलाब का फूल जो है धो के रखी हूँ, यही दो ही चीज़। देखिए यहाँ पे मैं कारी पत्ता ले ली हूँ, इसको पीस लेंगे। कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे 200 ml तेल ले ली हूँ नारियल का, तो इसको गरम करने दे दी हूँ। गरम होने के बाद गुलहर का जो फूल था वो उसको डाल दिए। उसके बाद देखिए इस तरह से कारी पत्ता का भी पेस्ट बना ली हूँ, उसको भी डाल दे रहे हैं। इसको अच्छे से तेल में उबालेंगे। इसको मैं तीसरी बार बना रही हूँ। इस ये तेल लगाने के वजह से बाल झड़ना जो है बहुत कम हो गया है मेरा। यहाँ के पानी के वजह से बहुत बाल झड़ता है, इसके वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो नेट पे सर्च करके मैं ये तेल बना के ट्राई की, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम कम हो गया है, लेकिन 50% के ऊपर मेरा बाल झड़ना कम हो गया है। तेल बन जाने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे। ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से छान ले रहे हैं, देखिए उसी डब्बे में छान ले रहे हैं। तो ये तेल देखिए बन के रेडी हो गया है, इसका खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है और ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। और इसको मैं स्टोर करके रख दूंगी, और जब लगाना होगा तो इसमें से थोड़ा सा निकाल के एक कटोरा में उसको गुनगुना गर्म करके सर में लगा लूँगी। ये तेल जैसे शैम्पू करने से एक घंटा पहले लगा कर भी रख सकते हैं, और पिछले रात को लगा के नेक्स्ट डे से भी शैम्पू कर सकते हैं। मेघा नहा के नाश्ता खा के ट्यूशन चली गई थी, देखिए उसके बाद ट्यूशन से आकर यहाँ पे राखी बनाने बैठ गई हैं, क्योंकि उसके स्कूल में कल ही सबमिट करना है राखी। और अनाया राखी बनाने की प्रैक्टिस कर रही है दीदी के साथ बैठ कर। चलिए तब इन लोगों को राखी बनाने देते हैं, मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ। देखिए मैं आज दोपहर को तरई की सब्जी बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे तरई और आलू को इस तरह से काट ली हूँ, इसमें प्याज व्याज कुछ भी नहीं डालूंगी। देखिए कैसे मैं बनाती हूँ, यहाँ पे सफ़ेद तिल और जीरा ले ली हूँ, तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद इसका एक तो महीन पेस्ट बना लेंगे। देखिए कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, उसके बाद तरई को डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के गैस का आंच जो है तेज करके इसको भूजना होगा, नहीं तो इसमें पानी निकल जाएगा। और इसको ढक के नहीं रखना है। देखिए हो गया है तो इसको उतार दूँगी। फिर से इसमें तेल डालेंगे थोड़ा सा। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें मांगरेल तेजपत्ता और सूखा मिर्च डाल दिए हैं, इसको भी अच्छे से भूनेंगे। आलू को भी इसमें डाल दिए हैं, तो इसमें नमक डाल के आलू को ढक के पकाएंगे धीरे धीरे से। इसमें अभी पानी नहीं ऐड करेंगे और इस समय आंच जो है एकदम धीमा रहेगा, इसको ढक के अच्छे से पकाएंगे। देखिए कढ़ाई जो है मैं इस तरफ के ओवन में बिठा दी हूँ, क्योंकि उसमें उस तरफ के ओवन में मैं चावल बिठाई हूँ। यहाँ पे देखिए आलू 80% कुक हो गया है, तो इसमें मैं 1 से 1.5 घंटा पहले ये जो मूंगफली है मैं भिगो के रखी थी, तो उसको मैं इसमें डाल दी है। इसको भी अच्छे से भुनेंगे आलू के साथ। उसके बाद इसमें मसाला डाल देंगे, सिर्फ हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, और कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर डाल दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए भून गया है, इसी समय मसाला का जो पेस्ट बनाए थे उसको डाल दिए हैं। मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और कढ़ाई में आलू में नमक है तो उसके हिसाब से नमक थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा। मिर्चा भी डाल दिए हैं और तरई भी डाल दिए हैं।
इसको ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे। देखिए ये बन के रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी खाने में होता है, गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये वाला सब्जी। देखिए मेरा लंच बन के रेडी हो गया है, तो मैं अभी अनाया को थोड़ा सा हेल्प कर दे रही हूँ, अनाया को सिखा रही हूँ कैसे बनाना है। वो स्कूल में तो उसको खुद को बनाना है वहाँ पे बैठ के, इसीलिए थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। वो तो मोबाइल से, मुझे भी बनाना नहीं आता है, मैं मोबाइल से सर्च करके उसको बता दे रही हूँ कैसे कैसे क्या करना है, और मेघा खुद से ही बना रही है। उन लोगों को बनाने के बाद दिखाऊंगी कैसे क्या बनाती है, बनाई है। उन लोगों का राखी बन के रेडी हो गया है, तो मैं यहाँ पे खाना परोस दी हूँ, सब कोई खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ वो लोग क्या क्या बनाई हैं। बनाया मेघा ने राखी बना ली है, ये सारे, वो एक राखी बनाने बैठी थी तो 7 राखी बना ली। देखिए इसको बनाने में मैं हेल्प की थी, इस तरह से ऊन काट दी थी, और ये वाला राखी बनाने में उसको हेल्प की हूँ। बाकी सब वो काट काट के जितना सारा सामान था दीदी का बचा हुआ सारे में कर दिया। ये देखिए रैबिट वाला तो खुद से ड्राइंग करके बनाई है, कितना क्यूट बना है। और ये मेरी बड़ी बेटी ने बनाई है, देखिए कैसा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी शाम हो गया है तो हम लोग चाय और समोसा खा रहे हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, बाय बाय।